कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक टू क्वारंटीन कंटेंट, अ बिट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू व्हाइल वी ऑल स्टे एट होम। 3 से 4 दिनों के लिए मेरे सोसाइटी का गेट कम्प्लीटली बंद हो चुका है, सो डाइट वीडियोज एंड रेसिपी वीडियोज पॉसिबल नहीं होंगी, बट डोंट वरी, मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। सो आज का वीडियो होगा टॉप 10 मस्ट वॉच इंडियन वेब सीरीज जिनकी IMDb की रेटिंग है 8+। यहाँ पर मैं सिर्फ इंडियन वेब सीरीज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ही इजीली बोल देते हैं कि इंडियन सिनेमा में वो बात नहीं है, इंडिया में अच्छी मूवीज़ या वेब सीरीज नहीं बनती है। मानो या ना मानो, इंडियन सिनेमा का जो हाल अभी है इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, जहाँ पर तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस को थिएटर में देखने के लिए कोई भी नहीं जाता है, एंड दूसरी तरफ हाउसफुल 4 जैसी कचरा मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा कमाकर सुपरहिट है। तो यार, गलती किसकी है? सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सबसे पहली है 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज रंगबाज। ये उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर पर बेस्ड है जो पॉलिटिशियंस के कहने पर लोगों का खून करने का काम करता है और पूरा शहर उसके नाम से डरने लगता है। कैसे एक सिंपल से घर का लड़का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनता है, इसकी पूरी जर्नी इस वेब सीरीज में दिखाई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। नेक्स्ट है 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज अपहरण। एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसको अपनी ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे की लालच में आकर वो एक किडनैपिंग में शामिल होता है एंड धीरे धीरे पता चलता है कि जो भी उसे बताया गया है वो सब झूठ है एंड वो एक बहुत बड़े गेम का हिस्सा बन चुका है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। नेक्स्ट है 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। आदित्य नाम का एक टैक्सी ड्राइवर है जो ड्रग्स के नशे में अपनी पूरी रात गुजारता है। सुबह में जब उसे होश आता है तो पता लगता है कि जो लड़की उसके साथ में थी उसकी पूरी बॉडी पर चाकू के निशान है एंड चाकू आदित्य के हाथ में फंसा हुआ है। अब देखा जाए तो खूनी सामने ही नजर आ रहा है, बट कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। नेक्स्ट है 2017 में रिलीज हुई वेब सीरीज बोस डेड और अलाइव। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज में नेताजी के डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्री है उसे सामने लाने की कोशिश की गई है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.1। नेक्स्ट है 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन। श्रीकांत नाम के एक सीक्रेट एजेंट है जो देश को खतरनाक टेररिस्ट से बचाते हैं। अब क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है तो अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता सकते, तो धीरे धीरे वो कैसे डिफिकल्ट होता जाता है, अपनी फैमिली और अपने काम को कैसे वो मैनेज करते हैं, इसकी पूरी जर्नी ये वेब सीरीज में दिखाई गई है। एंड IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। नेक्स्ट है 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्जापुर। अखंडानंद त्रिपाठी नाम के एक डॉन है जो दिखाने के लिए कारपेट का बिजनेस करते हैं, पर पीछे से किडनैपिंग से लेकर मर्डर तक के काम बहुत ही आसानी से पूरे करते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दो भाई गुड्डू और बबलू भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.5। नेक्स्ट है 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर और गैंगस्टर की कहानी है जहाँ पर पुलिस के पास सिर्फ 25 दिन का समय है और 25 दिन के बाद कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। मेरी तरह अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फ़ैन हैं तो इसे मिस करने की गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.8। नेक्स्ट है 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज ब्रीथ। ये एक बाप और बेटी की कहानी है जिसमें बेटे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, पर उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है, सीधे तरीके से ऑर्गन का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। इसकी वजह से अपने बेटे को बचाने के लिए बाप किस तरीके से सीरियल किलर बन जाता है, इस पर ये पूरी स्टोरी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। नेक्स्ट है 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज असुर। ये एक हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड है जिसमें एक के बाद एक अच्छे लोगों का खून होने लगता है और उनकी बॉडी के पास एक मास्क मिलता है। अब सिर्फ अच्छे लोगों का ही खून क्यों होता है और बॉडी के पास मास्क की क्या स्टोरी है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। एंड IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सबसे पहले इसे ही देखें। लास्ट है 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स। ये वेब सीरीज 19 साल पहले 2001 में हुए टेररिस्ट अटैक पर बेस्ड है। 5 इंटेलिजेंस के एजेंट होते हैं जो उस अटैक के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में होते हैं एंड इसकी वजह से वो 12 डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्रैवल करते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.7। सो गाइज, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी देखी है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक या वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।